हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप लोग देख रहे हैं नेचुरल देसी मुर्गी। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देसी मुर्गी यानी छोटे 20 से 25 दिन वाले को कैसे आप लोग छोटे में ही पहचान करोगे। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरा हाथ में है, ये देसी चूजे, ये मात्र अभी 25 दिन के हैं। तो इनको मैं चलिए एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इनके पंख, तो ये इनके पंख होंगे दोस्तों, ये वाले आगे साइड की ये बड़े होंगे और ये पीछे वाले जो इधर से होंगे ये वाले छोटे होंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इधर का भी दोस्तों, इधर का भी आप लोग को दिखा देता हूँ, इधर का भी आप लोग देख लीजिए, एक साइड का बड़ा है, एक साइड का छोटा। तो इससे आप लोग को आसानी से पता चल जाए कि ये मेल है यानी मुर्गा है। और इनके दोस्तों ये जो पूँछ है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी छोटे होंगे क्योंकि मुर्गा के छोटे होते हैं। अब चलिए हम फीमेल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये अभी मेरा दूसरा मुर्गी है, ये है फीमेल है। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पंख में पूरे यानी कि पूरे पंख है दोस्तों, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बराबर है और इसमें पंख ज़्यादा मात्रा में है। और पीछे भी आप लोग देखोगे तो पीछे में भी पूंछ इनके हैं। और दोस्तों, इससे आप लोग ये भी पता करोगे कि जैसे यहाँ पे सामने में कलगी होता है सर में, तो यहाँ के कलगी भी बहुत छोटे होंगे मुर्गा के अपेक्षा। मुर्गा ज़्यादा बड़ा होगा और इनके छोटे होंगे। तो मैं चलिए आप लोग को दोनों एक एक साथ में ही दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये अभी मेरे हाथ में दोनों एक साथ, एक मेल है और एक फीमेल है। तो आप लोग मेल वाला का देख सकते हैं, यहाँ पे पंख कम है। आप लोग सोच रहे हैं इसमें कम है, पर हाँ इसमें बहुत ही कम है, ये मेल है। और इसके पूंछ में भी आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई बाल नहीं है। और ये मेरा दूसरा वाला आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फीमेल है। तो आप लोग इससे पता कर लोगे क्योंकि मेल वाले के पीछे में भी अभी बाल नहीं उगाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अंगूठा के पास में। और फीमेल वाले के पीछे में पूंछ आ गई है, तो इससे आप लोग पता कर लो कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है।